गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर कल हम लोगों ने रसायन विज्ञान में जो भी नेमिंग रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई थी उनको डिस्कस किया था, तो इसमें आज हम दूसरा टॉपिक वही नेमिंग रिएक्शन वाला, जो बची नेमिंग रिएक्शन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं बच्चों, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें बच्चों हमारी पहली नेमिंग रिएक्शन क्या है। तो बच्चों हमारी पहली नेमिंग रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 मोल लेते हैं किसका, एल्किल हैलाइड का। 2 मोल हम किसका लेंगे बच्चों, एल्किल हैलाइड का। इसके हम सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको एल्केन मिलेगा। और 2NaX, ये जो एक्स है ये Na को लेके अलग हो जाएगा। तो बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के लिए क्या होना जरूरी है, 2 मोल हमारे पास एल्किल हैलाइड होने ही होने चाहिए। उसकी अभिक्रिया हम किसी भी मेटल से कराएं, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम हो, किसी भी मेटल से कराएं, लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए इस अभिक्रिया के लिए बच्चों, शुष्क ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हमको क्या मिलता है, हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो बच्चों इसमें हम एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं। मान लो हमने 2 मोल लिया किसका, मेथिल आयोडाइड का। हमने रिएक्शन कराई सोडियम से शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा एथेन मिल जाएगा, एक एल्केन प्लस 2NaI अलग हो जाएगा। तो बच्चों ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो बच्चों ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में, 15 में, 16 में, 20 में पूछा गया है। तो बच्चों जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हमें बनाना होता है प्राइमरी एमीन। इसमें हम क्या बनाते हैं बच्चों, इसमें हम बनाते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी ग्रुप हो उसके साथ जो CONH2 ग्रुप होता है इसकी ब्रोमीन और KOH के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर जो ये CONH2 होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होता है, CONH2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इसको हम पढ़ लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी एलिफैटिक या एरोमेटिक, कोई भी चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक एसिड एमाइड हो, एसिड एमाइड का मतलब CONH2 ग्रुप, चाहे वो एरोमेटिक हो ये बच्चों, चाहे ये एलिफैटिक हो, एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो, या ये एलिफैटिक हो, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, एक्वस ब्रोमीन और KOH के साथ कराने पर क्या मिल जाए बच्चों, हमको प्राथमिक एमीन मिल जाए या प्राइमरी एमीन मिल जाए। तो यह अभिक्रिया कहलाती हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो बच्चों इसको हम एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो हमने एसीटैमाइड लिया, CH3CONH2 एसीटैमाइड लिया। इसमें आप देख रहे हैं ये एसिड एमाइड ग्रुप है और ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक ग्रुप मेथिल है, फैटिक मेथिल ग्रुप है और ये एसिड एमाइड है। तो हमने लिया बच्चों एसीटैमाइड,
इसकी हम अभिक्रिया किससे कराते हैं? लिक्विड ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है, इस ग्रुप का किस में कन्वर्ट हो जाए NH2 में? तो हमें मिल जाता है CH3NH2। तो बच्चों हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है मेथिल एमीन प्लस क्या मिल जाता है, ये जो K है K2CO3, ये इसका कार्बोनिल ग्रुप लेके अलग हो जाता है K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर। तो इस अभिक्रिया का मेन एम क्या है बच्चों, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें हमको प्राइमरी एमीन बनाना है, कोई भी कंपाउंड ले चाहे वो एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड हो, उसकी लिक्विड ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर एसिड एमाइड किस में, एमीन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये अभिक्रिया कहलाती हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। यह अभिक्रिया केवल एक बार 13 में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, कोई भी आप धातु का एल्कोक्साइड लो, धातु का आप कोई भी एल्कोक्साइड लो, इसको क्या करना होता है, किसी एल्किल हैलाइड के साथ आप गर्म करो, एल्किल हैलाइड के साथ आप गर्म करो, तो क्या बन जाता है बच्चों, ये जो सोडियम है ये Na के साथ अलग हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ईथर। तो मतलब कोई भी बच्चों धातु का एल्कोक्साइड हो, इसको किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस का मेन एम क्या है बच्चों, इससे हमको ईथर बनाना है, इसलिए हम क्या लेते हैं, एक धातु का एल्कोक्साइड लेंगे, क्योंकि बच्चों ईथर तभी बनता है, ईथर में क्या होता है ROR ग्रुप होता है, तो ईथर ये कहलाता है, इसलिए हम लेंगे धातु का एक एल्कोक्साइड और दूसरा हम लेंगे एल्किल हैलाइड, तभी बच्चों हमको ईथर मिलेगा। एक हम एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, इसमें हमने लिया सोडियम एथॉक्साइड, ये बच्चों सोडियम एथॉक्साइड है, दूसरा हमने लिया एथिल आयोडाइड, इसको हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, तो हमें मिल जाता है बच्चों डाई एथिल ईथर मिल जाता है बच्चों, और NaI अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा विलियमसन सिंथेसिस में क्या हम बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। हमारी अगली अभिक्रिया है बच्चों सैंडमेयर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। तो बच्चों जो ये सैंडमेयर अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो डाई एजो समूह होता है, ये जो डाई एजो समूह है ये किसी भी ग्रुप के साथ लगा हो, इसका क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, चाहे क्लोरीन के द्वारा, चाहे ब्रोमीन के द्वारा, चाहे सीएन के द्वारा। तो इस जो डाई एजो समूह है ये कौन सा समूह है बच्चों, डाई एजो समूह है, इसका इसके द्वारा प्रतिस्थापन या ये इसको विस्थापित कर देता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल देके बताते हैं बच्चों। हमने लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं किसी भी रिएजेंट के साथ। अगर हमने यहाँ लिया Cu2Cl2 या HCl हमने लिया, इसकी प्रेजेंस में हम अभिक्रिया कराते हैं, तो ये
डाइएजो समूह होता है बच्चों, ये क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ये जो नाइट्रोजन है ये गैस के रूप में निकल जाएगी, प्लस HCl अलग हो जाएगा, तो बच्चों हमको क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन। अगर हम यही रिएजेंट ले लेते हैं Cu2Br2 या HBr की प्रेजेंस में, तो ये जो है डाइएजो समूह ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ब्रोमीन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ब्रोमीन के द्वारा। तो हमें जैसे यहाँ मिल रहा था बच्चों क्लोरोबेंजीन, तो वैसे मिल जाता है यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HBr। तो कहने का मतलब सैंडमेयर अभिक्रिया में जो डाइएजो समूह होता है इसका क्लोरीन ब्रोमीन या CN के द्वारा रिप्लेसमेंट होके क्या हो जाता है, ये क्लोरीन ब्रोमीन या CN इस डाइएजो समूह की जगह पे आ जाते हैं, और ये जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चों सैंडमेयर अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों समिट अभिक्रिया, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में, 15 में, 17 में, 19 में पूछा गया है। तो सिमिट अभिक्रिया में बच्चों हम क्या बनाते हैं, ये एक प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। सिमिट अभिक्रिया में हम क्या बनाते हैं बच्चों, प्राइमरी एमीन बनाते हैं। अभी हमने बताया था हाफ वैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में भी हम क्या बनाते हैं, कोई भी प्राथमिक एमीन बनाते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन हो। और सिमिट अभिक्रिया में क्या हम बनाते हैं बच्चों, इसमें हम केवल प्राइमरी एमीन बनाते हैं। तो बच्चों इसमें प्राइमरी एमीन कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। तो बच्चों हम क्या लेते हैं, इसमें हम ले रहे हैं एसिटिक अम्ल, ये क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल लिया हमने। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, और प्रेजेंस किसकी रहती है, कंसंट्रेट H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको क्या मिल जाता है बच्चों, हमको मिल जाता है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और ये जो COO ग्रुप है ये किसके रूप में अलग हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। और इधर जो हाइड्रोजोइक एसिड में N3S था इसका 2N नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है। इस तरीके से जो इसका 1N बचा और ये वाला H और ये H मिलके क्या बना देते हैं, एमीन ग्रुप NH2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। और हाइड्रोजोइक एसिड में जो N3 होता है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। तो बच्चों सिमिट अभिक्रिया में हम क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाएंगे प्राइमरी एमीन, इसमें हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कोई इसकी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पे। कंसंट्रेट H2SO4 इसलिए हम लेते हैं जिससे ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो COOH ग्रुप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाए। अगली अभिक्रिया है बच्चों रोजनमुंड अभिक्रिया, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 में 22 में पूछा गया है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी एसिड क्लोराइड हो, COCl ग्रुप का क्या होता है, एसिड क्लोराइड ग्रुप का PDBSO4 की प्रेजेंस में और ज़ाइलीन की उपस्थिति होती है, तो इस ग्रुप का किससे, इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है किसमें, एसिटल्डिहाइड में।
बच्चों जो ये एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाता है एल्डिहाइड में। इसका रिडक्शन एल्डिहाइड में होना पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में, बल्टी जाइलीन की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में अपचयन ही क्या कहलाता है, रोजन मुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं बच्चों। हमने लिया क्या, एसिड क्लोराइड। अब ये ग्रुप आपने देखा आ गया एसिड एसिड क्लोराइड COCCl के रूप में आ गया। हमने लिया एसिटिल क्लोराइड, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। चूंकि हमने बताया इसका हम क्या कराते हैं, इसका हम रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन द्वारा। प्रेजेंस होती है किसकी, पैलेडियम BaSO4 और जाइलीन की। तो ये क्या होता है, ये एसिटिल क्लोराइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। तो ये बन गया क्या, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड प्लस क्या हो जाता है, HCl अलग हो जाता है। तो रोजनमुंड अभिक्रिया में बच्चों हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एल्डिहाइड, जिसमें क्या होता है कोई भी एसिड क्लोराइड हो इसका हम रिडक्शन या अपचयन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हमारी अगली अभिक्रिया है बच्चों ईटार्ड अभिक्रिया। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 19 में 22 में पूछा गया है। तो बच्चों ईटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है, मान लो हमने यहाँ क्या लिया, टोलुइन लिया। इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन बच्चों इसमें केवल पार्शियल होता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में और कार्बन सल्फाइड डाई सल्फाइड की उपस्थिति होती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि टॉलुइन का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन हम पार्शियल कराने के लिए हम किसकी प्रेजेंस लेते हैं, हम क्रोमिल क्लोराइड या कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिल जाता है ये, इसका मेथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें मिल जाता है बेंजल डिहाइड प्लस वाटर। क्योंकि ईटार्ड अभिक्रिया में बच्चों हमको बनाना होता है क्या, एल्डिहाइड, इसलिए हम इसका क्या कराते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, तभी इसका बच्चों पार्शियल ऑक्सीकरण हो पाता है। तो बच्चों ईटार्ड अभिक्रिया का मेन एम क्या होता है, हमको एल्डिहाइड बनाना है, एसिड नहीं बनाना है, इसलिए हम इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो नेमिंग रिएक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा में एक से दो बार या उससे अधिक बार पूछी गई थी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। यदि आपको लगता है कोई नेमिंग रिएक्शन ऐसी है जो इम्पॉर्टेंट है उसको नहीं बताया गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।